ओके तो गाइस बैग झोला सब कुछ बोरिया बिस्तर लेके भाई पहुंच गया है जाफना। अब आप कहोगे ट्रेन जर्नी क्यों नहीं दिखाई, पहले तो बोल रहा था ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेन जर्नी सेम थी, वही सेम कंपार्टमेंट था फर्स्ट क्लास का, तो कुछ नया नहीं था, तो मैंने कंटेंट रिपीट नहीं किया। और वैसे भी मैं सो रहा था क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे की मेरी ट्रेन थी, तो बहुत नींद लगी हुई थी, तो पूरा रास्ता सोता आया हूँ। ये पीछे रह गया जाफना का ट्रेन स्टेशन, और अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एकमात्र हॉस्टल है पूरे जाफना में, वो भी बहुत छोटा सा हॉस्टल है, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत टूरिस्टिक इलाका नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है हम इंडियंस के लिए। तो अभी पहले मैं हॉस्टल पहुंचता हूं और फिर आपको आगे ही कहानी समझाता हूं जाफना की क्या क्या कहानी है। सो हेलो वेलकम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ओके तो गाइज वेलकम टू जाफना, जाफना में आपका स्वागत है। तो जाफना में मैं स्टे कर रहा था एक हॉस्टल में, जैसा कि मैंने आपको बताया इस हॉस्टल का नाम है यारल हॉस्टल, और सिर्फ जाफना का एकमात्र हॉस्टल है ये, और कोई हॉस्टल नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउसेज कुछ होटल्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हॉस्टल के नाम पर बात करें तो सिर्फ एक यही हॉस्टल है, और इसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। और इसका जो मैं पे कर रहा हूँ वो है लगभग $5-6 के आसपास मुझे खर्चा आता है, लगभग 400 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, और इसमें ब्रेकफास्ट भी साथ में मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है जाफना में स्टे करने के लिए, और बाकी यहाँ पे आपको और ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही हॉस्टल है तो लोगों के पास और ऑप्शन ही नहीं होता। तो दोस्तों जाफना ना श्रीलंका के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट टिप पे लोकेटेड है, अगर आप मैप में भी देखोगे तो जब से टॉप में आता है ये जो इसका डिस्ट्रिक्ट है जाफना, नॉर्दर्न प्रोविंस में आता है ये जाफना डिस्ट्रिक्ट, और माना ये जाता है कि ये श्रीलंका का एक वन ऑफ द सबसे खूबसूरत सिटी है घूमने के लिए। और मुझे सुनने में ये भी आया काफ़ी लोगों से कि यहाँ के लोग माने जाते हैं मोस्ट हॉस्पिटेबल लोग इन श्रीलंका। और अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, जो मोस्टली नॉर्दर्न साइड पे लोग हैं जैसे जाफना हो गया, तो यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो तमिलियंस है, मोस्टली तमिलियंस डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। अगर हम इससे थोड़ा सा साउथ ऑफ श्रीलंका में जाते हैं, मतलब मिडल में जाते हैं, सेंट्रल में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर सिन्हलीज मिलेंगे, जो श्रीलंकन लोकल सिन्हलीज होते हैं, और थोड़े से आपको मिलेंगे तमिलियंस। लेकिन जब बिल्कुल साउथ में जाओगे श्रीलंका के, तो वहाँ आपको मोस्टली सिन्हलीज मिलेंगे। तो इस टाइप से मतलब जो तमिलियंस की हम बात करें वो ज़्यादातर इसी एरिया में लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट में जाफना के रीजन में। यहाँ नॉर्थ में आके लैंग्वेज का भी फ़र्क आ जाता है, जहाँ पे मैं अभी साउथ में जब घूम रहा था तो मोस्टली जो लोकल लैंग्वेज लोग बोल रहे थे वो सिंगाली बोल रहे थे, लेकिन जब हम नॉर्थ में आते हैं जाफना में आते हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं वो तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं। और देखने को भी यहाँ पे जो जैसे जो भी सड़कें वड़के हैं तो बहुत ऐसा फील होता है, लोगों की शक्लें भी ऐसी है कि बिल्कुल ऐसा फील होता है कि यार किसी में इंडिया के किसी साउथ डिस्ट्रिक्ट में मैं घूम रहा हूँ। एनीवेज अगर हम बात करें जाफना की, तो ये एक पेनिनसुला है। जाफना के साथ आपको काफ़ी बार नाम सुनने को मिलेगा कि जाफना पेनिनसुला, तो पेनिनसुला वो होता है कि जब एक कोई लैंड मास है वो तीन से ज़्यादा साइड से अगर वो समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं, तो इसलिए इसको जाफना को जाफना पेनिनसुला बोलते हैं। अगर आप मैप में भी देखोगे तो इसको चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, कहीं पे कैनाल्स हैं, कहीं पे इंडियन ओशन है, कहीं पे पार्क स्ट्रेट है, कहीं पे जाफना लगून है, तो इस सारी तरफ से इसको घेर रखा है, और ये कनेक्टेड है मेन लैंड जो श्रीलंका है, वैसे तो इसकी बहुत कम दूरी है, कुछ एक ब्रिजेस से ये कनेक्ट हो जाता है मेन लैंड श्रीलंका से, लेकिन ये कनेक्टेड है वाया रोड, वाया ट्रेन्स, और बाकी एयर ट्रांसपोर्ट से भी ये कनेक्टेड है। जिस जगह पे मैं अभी हूँ वो भी बिल्कुल ही मतलब मैं बिल्कुल लगून के पास हूँ, अगर आप ये साइड देख पा रहे होगे तो ये पीछे पूरा इंडियन ओशन लगून और सारा कनेक्टेड का एरिया है, और इसके इस साइड पे है जो मेन फेमस जाफना की आइकॉनिक लोकेशन है, इसको बोलते हैं जाफना डच फोर्ट, और आप पीछे भी देख पा रहे होंगे तो वो ब्रिज आ रहे हैं, और ये ब्रिज से काफ़ी यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड्स हैं वो काफ़ी तो इस ब्रिज से ही कनेक्टेड है। तो मतलब आपको पूरा इस जाफना में घूमता हुआ ऐसा लगेगा कि यार एकदम से समुद्र आ जाएगा, एकदम से लैंड आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। तो यही चक्कर है जो इस जगह की जाफना की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाता है, कि मतलब एकदम से आपको ऐसे समुद्र। अब इस साइड पर देखो कैसे बोट्स खड़ी हुई हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे एक अच्छा आइलैंड आ जाएगा, बसेस जाती हैं, आप स्कूटी से जा सकते हो, आप पैदल वॉक करते करते भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड निकल सकते हो। तो यही सारे रीजन हैं जिसकी वजह से शायद जाफना को कहा जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है श्रीलंका। बाकी यहाँ पे काफ़ी फ़िशिंग करते हुए आपको लोग मिलेंगे, जैसे देखो ये सारे ये जो नेट लगा रखे हैं सारे फ़िशिंग के लिए लगा रखे हैं, और यहाँ पे एक भाई साहब हैं घूम रहे हैं बार बार नेट से फेंकते रहते हैं, नेट फेंकते हैं उससे फ़िशिंग करते हैं, या फिर कई बार ये लोग नेट लगा देते हैं और उसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करते रहते हैं कि फ़िशिंग के लिए। फ़िशिंग एक काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी है इस एरिया में। एक वो भी टाइम था जब कभी जाफना
श्रीलंका की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हुआ करती थी। लेकिन बाद श्रीलंका और LTTE के बीच में काफ़ी लंबा वॉर चला, तो उसके बाद और उस वॉर का मेन इलाका जाफना ही था। मेन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सब इसी नॉर्दर्न एरिया के आसपास ज़्यादा हो रहे थे। और तो जब वो एंड हुआ तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ से मूव किया और फैमिली डिस्प्लेस हो गई। और उसके बाद अब यहाँ की पॉपुलेशन रह गई सिर्फ, ये 12th नंबर पे आता है पूरे श्रीलंका में एज़ पर द पॉपुलेशन। काफ़ी टाइम तक जाफना एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी भी थी और पोर्टुगीज़ इसको एज अ पोर्ट यूज़ करते थे, एज अ पोर्ट सिटी यूज़ करते थे। और उसी टाइम के ही बात है कि उन्होंने यहाँ पे, पोर्टुगीज़ ने यहाँ पे एक फ़ोर्ट बनाया था, जिस फोर्ट में मैं अभी ये घूम रहा हूँ। ये पूरा ये सारा फोर्ट का ये एरिया, इसके अंदर भी जा सकते हैं, 400 रुपये की एंट्री टिकट लगती है। लेकिन मेरा अभी जाने का प्लान नहीं है, मैं थोड़ा बाहर ही घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर से नज़ारा अच्छा मिल रहा है और आपसे बात करने को भी मिल रहा है। तो ये पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी उसके बाद, लेकिन इस फोर्ट का नाम अब डच फोर्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पोर्टुगीज़ का रूल ख़त्म हुआ, डच ने ओवरटेक कर लिया और यहाँ पे डच लोग राज करने लगे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने इस फोर्ट का नाम बदल के रख दिया डच फोर्ट। जाफना डच फोर्ट इसको आज के टाइम में कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद डच का भी जो रूल था वो यहाँ ख़त्म हुआ और फिर ब्रिटेन आ गया था, ब्रिटेन ने रूल किया इसको फिर काफ़ी सालों तक। लेकिन अभी भी जो ये फोर्ट है इसको जाना जाता है द जाफना डच फोर्ट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और बिल्कुल मेरे हॉस्टल के पास में ही है। मतलब छोटा सा ही है जाफना, अगर सिटी की बात करोगे तो वहीं बस स्टैंड है, वहीं पे ही थोड़ा पास में ट्रेन स्टेशन है, वहीं पे ही मेरा हॉस्टल है और वहीं पे ही ये जाफना डच फोर्ट है। और इसी के पीछे साइड पे जो लगून का एरिया मैंने आपको दिखाया वो भी यहीं साथ में। तो गाइज 1986 में जाफना का कंट्रोल आ गया था LTTE के हाथ में, इसको लट्टे भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर अगले 2 सालों तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज आई यहाँ जाफना में और ये पूरा जो एरिया था उनके कंट्रोल में रहा। लेकिन उसके बाद फिर अगले 5 से 6 सालों के लिए, आई थिंक 1995 तक अगेन फिर LTTE का कंट्रोल रहा, जिसके बाद इन द एंड 1995 में श्रीलंकन डिफेंस फोर्सेज जो थी वो सब यहाँ पे आई और उसके बाद से सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहने लगा। लेकिन स्टिल वॉर चलता रहा और ये पूरा वॉर जो एंड हुआ था ये 2008 और 2009 के आसपास, जो यहाँ पे थोड़ा जो शांति अमन आई वो 2008 या 2009 के आसपास आई। जाफना की लोकल मंडी में आया हूँ, जहाँ इस साइड पे राशन पानी वगैरह की दुकानें हैं, वहाँ एक साइड पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सब सब्जी वगैरह की मंडी लगी हुई है। आई थिंक डेली मार्केट ही है, लेकिन एक टोटली इंडिया वाली फील ही है, लगता नहीं है कि कहीं बाहर आया हुआ हूँ। तो जाफना के लोकल बाज़ार में आया हुआ हूँ, यहाँ की मार्केट वगैरह देखने आया हुआ हूँ, मंडी वगैरह। काफ़ी बसलिंग टाउन है, शोर शराबा, ये वो बसेस, गाड़ियाँ इधर से कुछ कभी कुछ, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ का, थोड़ा सा और लोकल टेस्ट एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने काफ़ी देखे, एक ना आइसक्रीम खाने की या फलूदा टाइप की चीज़ों का काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं, वो कुछ अलग दिखा मुझे यहाँ में। तो आज मैं वही प्लान कर रहा हूँ, अभी कोई अच्छी सी दुकान ढूंढता हूँ और ज़रा इस माजरे को देखते हैं कि क्या है ये फलूदे वाला माजरा भी। तो अभी एक लिंगम आइसक्रीम नाम से जगह है, उसमें आया हूँ। मेन्यू देखो ज़रा, यहाँ पर तरीके तरीके की आइसक्रीम्स हैं, संडे स्पेशल, मेगा स्पेशल, मिल्क शेक्स हैं, फलूदा शरबत, क्रीम शरबत। मुझे एक दिखा मैंगो फलूदा, फलूदा खाने का काफ़ी मन कर रहा है, मुंह में पानी आ गया फलूदा सुन के। तो यहाँ पीछे की तरफ लिखा हुआ है, वो देख पा रहे हो, तो मैंगो फलूदा 280। तो सोच रहा हूँ वही ऑर्डर करता हूँ, लेकिन चीज़ें यहाँ पे इतनी सारी हैं कि मन कन्फ्यूज हो जा रहा है कि क्या करूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन अभी पहले मैं मैंगो फलूदा ट्राई करता हूँ। और प्राइजेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है अगर आप देखोगे तो, फलूदा शरबत 180 का, मतलब इंडियन में हो गए 60 रुपये। पाइन एप्पल जूस 150। और काफ़ी, और ये लिंगम आइसक्रीम आई थिंक काफ़ी बड़ी चेन है, क्योंकि मैंने इनके काफ़ी और जगह पे भी देखे हैं, मतलब यहीं पे जाफना में ही काफ़ी जगह पे इनके स्टॉल बने हुए थे। मैंगो फलूदा, ओके रॉयल फलूदा बन। Thank you.
एक्चुअली फलूदा तो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंगो आइसक्रीम मंगाई है मैंने। फलूदा कोई भी नहीं मिल रहा था, तो मैंगो आइसक्रीम देखो कितने अच्छे से सर्व की गई है। 140 श्रीलंकन रुपीज़ की ये आइसक्रीम, जो इंडियन में हुए लगभग 45 या 50 रुपये भाई ये है। और यहाँ का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, मतलब इसमें आपको मुँह में मैंगो के चंक्स मिलेंगे, जो नॉर्मल खाली ऐसे दूध वाली आइसक्रीम नहीं होगी फ्लेवर डाल के, मतलब काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से इसको अच्छी चीज़ों से मिक्स करके प्योर मैंगो यूज़ करके बनाई जाती है। इस वजह से मैंने मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर की है यहाँ पर। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ये मैंगो के चंक्स हैं, यहाँ पे आपको पूरा असली मैंगो मिलेगा बाइट्स में, खाली दूध नहीं, तभी स्मार्ट चॉइस। हाँ हाँ मजा आ गया आपको। टॉप नॉच फर्स्ट क्लास। तो गाइस बढ़िया शहर घूम लिया, आइसक्रीम खा ली आराम से, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खा के बहुत राहत मिली। और अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो ये जाफना का मैंने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया इस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका का, आपको अच्छा लगा होगा। और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं और अच्छे से दिखाऊँगा ये जाफना और नॉर्थ में जो बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं वो लेके आऊँगा आपके सामने। तो ये सीरीज़ को आपने अच्छे से देखते रहना है, बहुत अच्छे से प्यार देना है जैसे अभी तक आप दे रहे हो। बाकी अभी मैंने साथ के लिए कुछ खाने के लिए कुछ पैक करवा लिया है ताकि हॉस्टल में बैठ के कुछ खा सकूँ, वापस पहुंच गया हूँ मेरे हॉस्टल में। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।